ब्रेकिंग न्यूज बुलंदशहर, रिश्वत लेता दरोगा वीडियो वायरल। बुलंदशहर में कुछ लोगों ने एसएसपी दफ्तर पहुंचकर जहांगीराबाद कोतवाली में तैनात एक दरोगा पर कोतवाली में दर्ज रेप के मुकदमे से आरोपी का नाम निकालने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, शिकायत करने वाले लोगों की तरफ से कुछ वीडियो भी एसएसपी को दिखाई गई। वीडियो में आरोपी दरोगा पैसा लेता दिखाई दे रहा है। वीडियो एक नहीं बल्कि कई बार अलग अलग जगह पैसा देने के दौरान रिकॉर्ड किए गए हैं। दरअसल बुलंदशहर एसएसपी दफ्तर पहुंचने वाले लोगों की ओर से दावा किया गया कि उनके परिवार के लोगों के खिलाफ जहांगीराबाद कोतवाली में रेप का झूठा मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसकी विवेचना आरोपी दरोगा कर रहा है। नाम है आपका? ठाकुर देशराज सिंह, महानगर अध्यक्ष विश्व हिंदू महासंघ योगी आदित्यनाथ जी की टीम में हूँ मैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा ये बताइए, आप ये जो दरोगा को पैसे लेने देने का जो मामला है, जी ये कैसे, क्या पूरा मामला? ये सर झूठा केस, लेडीजों से मिला हुआ दरोगा, वो एक निर्दोष आदमी को फंसा लेता, फंसाने के बाद फिर लेडीज के थ्रू पैसा लेते हैं उसे सॉर्ट आउट करने के लिए। और दरोगा विजेंदर सिंह, थाना जहांगीराबाद। अच्छा, ये जो पैसे ले रहे हैं किससे ले रहे हैं? ये पैसे ले रहे हैं पीड़ित से, पीड़ित के परिवार से, कि उनको मैं छुड़वा दूंगा और 376 का मुकदमा भी हटवा दूंगा, आप मुझे पैसे दे दीजिए। जो पैसे दिए हैं, जिसकी हमने आपको वीडियो भी शेयर की है, ऑडियो भी शेयर की है सर, और बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है जहांगीराबाद में, सबसे ज्यादा थाने में। अच्छा, तो इसकी शिकायत आपने किससे की है? अब मैंने पहली बार एसएसपी साहब से की है बुलंदशहर में। अच्छा, उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया मैं इनको जेल भेजूंगा और इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, मुकदमा दायर होगा, इनको बर्खास्त करूंगा, मुझे उन्होंने 100% वादा किया है और इसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होगी। आरोप है कि मुकदमे से नाम निकालने के नाम पर आरोपी दरोगा ने 2 लाख रुपए की मांग की थी। आरोपियों की ओर से दरोगा को अलग अलग समय पर कुछ पैसा भी दिया गया, जबकि उनके साथ ही पैसा देने के दौरान दरोगा का वीडियो भी रिकॉर्ड कर लिया गया। आरोप है कि पैसा लेने के बाद भी आरोपी दरोगा द्वारा आरोपी का नाम मुकदमे से नहीं निकाला गया, जिसके बाद आरोपी पक्ष के कुछ लोगों ने एसएसपी से मिलकर पूरी घटना की जानकारी देते हुए न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एसएसपी ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी दरोगा के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। एसएसपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि जांच के बाद आरोपी दरोगा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। उसकी सीडी तैयार करके और एक तहरीर लेकर के हमारे पास आए और घटना प्रथम दृष्टया जिस तरह के वो आरोप लगा रहे थे, जो साक्ष्य प्रस्तुत कर रहे थे, उसके आधार पर प्रथम दृष्टया सत्य प्रतीत हो रही है। निश्चित तौर पर हम इसमें वैधानिक और विभागीय दोनों कार्रवाई करेंगे। दरोगा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। बुलंदशहर से संवाददाता आनंद कुमार सिंह की रिपोर्ट।